वीकेंड लॉकडाउन का असर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। नोएडा के मार्केट और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यही नहीं, नोएडा की लगभग सारी दुकानें बंद थी। इतना ही नहीं, नोएडा में चलने वाली मेट्रो भी देरी से चल रही थी और मेट्रो स्टेशन पर भी लोगों की भीड़ कम थी। नोएडा के अलग अलग जगहों पर पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार हो रही थी, साथ ही पुलिस बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से पूछताछ कर उनके चालान कर रही थी। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने शनिवार रात 8 बजे से लेकर के सोमवार की सुबह 7 बजे तक के लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है और साफ तौर पर हिदायत दी है कि अगर आपको इमरजेंसी काम है या इमरजेंसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो ही घर से बाहर निकले। इसका जो है असर तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। नोएडा पुलिस जो है कई दिनों से लगातार अलर्ट कर रही थी लोगों को, जागरूक अभियान चला रही थी। आज तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जो है घर से कम निकल रहे हैं। इस समय हम नोएडा के 18 मार्केट में है और ये बहुत ही यहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत ही पब्लिक सिटी वाला मार्केट है ये, और यहाँ पर आज तस्वीरों में कोई भी आता जाता दिखाई नहीं दे रहा है। नोएडा पुलिस द्वारा जो और लोग भी इमरजेंसी के लिए भी जा रहे हैं तो नोएडा पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर वो इमरजेंसी के लिए ही जा रहे हैं तो उनको भेजा जा रहा है, वरना उनको घर वापस भेजा जा रहा है। साफ तौर पर नोएडा पुलिस द्वारा जो है अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो बिना मास्क के जा रहे हैं उनके खिलाफ जो है जुर्माना भी लगाया जा रहा है, चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार जो है कोरोना के बढ़ते मामले निकल करके आ रहे हैं, उसके उस चीज़ को लेकर के यह फैसला लिया गया है जिससे कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ जो है उसमें कमी आ सके। नोएडा से विनायक गुप्ता, जनतंत्र टीवी। और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 402 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं पिछले 24 घंटे में 254 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई है। जिले में अब तक 29,836 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 26,953 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 100 संक्रमितों की मौत इलाज के दौरान हो चुकी है। इसी बीच कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर अब पुलिस के तेवर भी सख्त हो गए हैं। लगातार लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वालों पर विशेष अभियान चलाकर 3,010 व्यक्तियों के चालान काटे गए हैं और 3,49,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया है, जिसमें से 33 लोगों पर संशोधित 1,000 रुपये की और लगातार 1,410 वाहनों का चालान 89,700 रुपये शुल्क वसूला गया है। तो इस तरह से वाहनों के चालान भी काटे गए हैं और जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे थे उनके भी पुलिस ने चालान काटे हैं। और देश भर के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना इस कदर कहर बरपाने लगा है कि मानवता दम तोड़ने लगी है। अस्पतालों में बेड न मिलने से लोगों की मौत तो हो ही रही है, नोएडा में भी बेड्स की किल्लत हो रही है। ऐसे में नोएडा पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने नोएडा के सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। सभी डॉक्टरों से अपने अपने अस्पतालों में बेड बढ़ाने की अपील भी की गई। और गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण के मतदान यानी कि 19 तारीख को सुबह 7 बजे शुरू होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 3 ब्लॉक में 377 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 88 ग्राम प्रधान और 5 वार्डों में जिला पंचायत चुनाव होने हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 377 मतदान केंद्रों पर लगभग 2,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों से भी पोलिंग बूथों पर निगरानी रखी जाएगी और इसी तैयारी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता नदीम सैफी ने। जनपद गौतम बुद्ध नगर में कल यानी 19 तारीख को पंचायत चुनाव होने, इसको लेकर जो प्रशासन है उसने अपनी लगभग पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने मतदान स्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं। कल यानी जनपद गौतम बुद्ध नगर में 88 ग्राम प्रधान और 5 वार्डों में पंचायत जिला पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो अपनी पूरी जो तैयारियाँ हैं वो लगातार कर रहे हैं और जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में लगभग 2,000 जो पुलिसकर्मी हैं वो अलग अलग पोलिंग बूथों पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो मतदान है वो जारी रहेगा।
ग्रेटर नोएडा से नदीम सैफी, जनतंत्र टीवी। और बहादुरगढ़ में केएमपी पर टोल वसूली के विरोध में किसानों के जाम होने की खबर पुलिस को पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच गई। किसान टोल फ्री करवाने के लिए जमा हुए थे, सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात दिखा। 300 पुलिस कर्मियों और आरएएफ के जवान वहां पर तैनात किए गए थे। 14 अप्रैल को प्रशासन ने शुरू करवाई थी केएमपी पर टोल वसूली। तो इसी तरह से ये आज भारी पुलिस फोर्स बहादुरगढ़ में उस वक्त मौजूद था। गाजियाबाद के अशोक विहार कॉलोनी में बीते दिनों एक बच्चा चोरी हो गया था। कॉलोनी के लोगों ने 3 महिलाओं को बच्चा चोरी करने के आरोप में पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिलाओं को पूछताछ के लिए साथ ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने महिलाओं को ले जाने से मना कर दिया। ग्रामीणों ने महिला से बच्चों की मांग करने लगे। जब पुलिस ने महिलाओं को ले जाने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिससे सीओ लोनी की गाड़ी का शीशा टूट गया और कुछ पुलिसकर्मी और घटना की कवरेज कर रहे पत्रकार भी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और गुरुग्राम के सदर बाजार में रविवार को इतनी भीड़ दिखी कि यहां पैर रखने की जगह तक नहीं थी। अब यहां पर कितने लोग कोरोना संक्रमित होंगे यह कोई नहीं जानता है। प्रदेश सरकार ने रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया है उसे कहीं ना कहीं अब दिन में भीड़ बढ़ने लगी है। लोग दूर दराज से सदर बाजार में आते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, यहाँ पर सरकार के नियमों की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक कहीं आपको नजर नहीं आएगा। और गुरुग्राम के शीतला कॉलोनी में एक भीषण आग लगी। शीतला कॉलोनी में बनी झुग्गियों में भीषण आग लगने की खबर है और साथ ही साथ आग लगने के कारण गैस सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। गुरुग्राम में आग की यह 7वीं घटना है। इससे पहले भी कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और नोएडा के सेक्टर 19 में एक महिला का शव उसके घर से बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महिला की मां की कत्ल किया गया और साथ ही साथ पुलिस जो आशंका जता रही है, महिला ने भी सदमे में दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।